ओम शांति। आज की मुरली को साकार बाबा जैसे जिस टाइम थे तो उस टाइम जैसे मुरली चलती थी कि बाबा ने गीत चलाया और गीत चलने के बाद फिर पूरी मुरली ओम शांति के बाद सीधे कि बाप बच्चों को समझाते हैं ऐसे करके जो बाबा शुरू करते थे। आज हम मुरली को वैसे सुनते हैं फॉर अ चेंज। और फिर मुरली के एंड में जो सार होता है यानी मीठे बच्चे वाला पार्ट या क्वेश्चन आंसर और धारणा के लिए मुख्य सार, उनको एक तरीके से क्विक रिवीजन की तरह एक बार पढ़ लेंगे। तो आज बाबा बोले कि बाप बच्चों को समझाते हैं कि जब यहाँ बैठते हो तो ऐसे भी नहीं कि सिर्फ शिव बाबा की याद में रहना है। देखिए एक अलग बात बाबा कह रहे हैं, वो हो जाएगी सिर्फ शांति फिर सुख भी तो चाहिए ना, यानी कि सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे तो शांति तो मिल जाएगी है ना, आत्मा बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी और अंदर से खुशी राजाई को याद करके आएगा कि हम क्या बनेंगे बाबा को याद करने से, है ना, कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है। तो वो तो हो जाएगी, तुमको शांति में तो रहना है और स्वदर्शन चक्रधारी बन राजाई को भी याद करना है। तुम पुरुषार्थ करते ही हो नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए। यहां भल कितने भी कोई में दैवी गुण हो तो भी उनको देवता नहीं कहेंगे, देवता होते ही हैं स्वर्ग में। दुनिया में मनुष्यों को स्वर्ग का पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि नई दुनिया को स्वर्ग और पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता है, ये भी भारतवासी ही जानते हैं। जो देवताएं सत्युग में राज्य करते थे उन्हों के चित्र भी भारत में ही हैं। ये है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। फिर भल करके उन्हों के चित्र बाहर में ले जाते हैं पूजा के लिए। बाहर कहीं भी जाते हैं तो जाकर वहां मंदिर बनाते हैं ना। हरेक धर्म वाले कहां भी जाते हैं तो अपने ही चित्रों की पूजा करते हैं, है ना। देखिए बाबा एक ब्रीफ कर रहे हैं कि तुम्हें लक्ष्मी से नारायण, मतलब लक्ष्मी और नारायण यानी नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी तो बनना है। लक्ष्य याद दिला दिया, फिर लक्ष्य की इम्पोर्टेंस याद दिलाई कि स्वर्ग में तुम रहते थे और स्वर्ग को दुनिया नहीं जानती। बेशक अलग अलग धर्मों ने अपने अपने जो एस्टैब्लिशमेंट है देवी देवता का या अलग अलग तरीके जो है प्रतिमा है याद करने की वो बेशक बना रखा है और वो उन्हीं को पूजते हैं, है ना। तो ये इम्पोर्टेंस है देवी देवताओं की, क्यों, क्योंकि वो प्रैक्टिकली हो करके गए एक टाइम, तो उनका यादगार चित्रों के रूप में मौजूद है। ये बाबा ने ब्रीफ कर दिया। हरेक धर्म वाले कहां भी जाते हैं तो अपने चित्रों की ही पूजा करते हैं। जिन जिन गांवों पर विजय पाते हैं वहां चर्च आदि जाकर बनाते हैं। हरेक धर्म के चित्र अपने अपने हैं पूजा के लिए। आगे तुम भी नहीं जानते थे कि हम ही देवी देवता थे, अपने को अलग समझकर उन्हों की पूजा करते थे। और धर्म वाले पूजा करते हैं तो जानते हैं कि हमारा धर्म स्थापक क्राइस्ट है, हम क्रिश्चियन हैं अथवा बौद्धी हैं। और ये हिंदू लोग अपने धर्म को न जानने के कारण अपने को हिंदू कह देते हैं और पूजते हैं देवताओं को। ये भी नहीं समझते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, है ना। बेशक सभी धर्म वाले अपने धर्म स्थापक को जानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक हिंदुइज्म है जिसका पूछो तो कहते हैं सनातन धर्म है, शुरू से चला आ रहा है, क्योंकि पता ही नहीं है किसने एस्टैब्लिश किया था। तो हम अपने बड़ों को पूछते हैं, क्रिश्चियन एक क्राइस्ट को पूछते हैं। भारतवासियों को ये पता नहीं है कि हमारा धर्म कौन सा है, वो किसने और कब स्थापन किया था। बाप कहते हैं ये भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जब प्राय लोप हो जाता है तब मैं आता हूँ फिर से स्थापन करने के लिए। तो ये ज्ञान अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, पहले कुछ भी नहीं जानते थे, बगैर समझे भक्ति मार्ग में चित्रों की पूजा करते रहते थे। अभी तुम जानते हो कि हम भक्ति मार्ग में नहीं है, अभी तुम ब्राह्मण कुलभूषण और शूद्र कुल वालों में रात दिन का फर्क है ना, वो भी इस समय तुमको समझते हो, है ना, वो भी इस समय तुम बच्चे ही समझते हो, सत्युग में नहीं समझेंगे, इस समय ही तुमको समझ मिलती है। तो बाप आत्माओं को समझ देते हैं, पुरानी दुनिया और नई दुनिया का तुम ब्राह्मणों को ही पता है। पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य हैं, यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं,
तो ये तो है ही कांटों का जंगल, और तुम जानते हो कि हम भी कांटे थे, अभी बाबा हमको फूल बना रहे हैं। कांटे इन खुशबूदार फूलों को नमन करते हैं, ये राज अभी तुमने जाना है ना। देवताओं की मूर्ति के आगे जाकर के क्या कहा, हम नीच पापी, है ना, अपने आप को नीच पापी कहा, फूलों के आगे जाकर के नमन किया। अब ये सारी बातें हम समझते हैं, बाबा कह रहे हैं, हम सो देवता थे जो फिर आकर अब खुशबूदार फूल यानी ब्राह्मण बने हैं। तो बाप ने समझाया है ये ड्रामा है, आगे ये ड्रामा बायोस्कोप आदि नहीं था, ये भी अभी बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि बाप को दृष्टांत देने में सहज होगा, बच्चे भी समझ सकते हैं कि ये साइंस भी तो तुम बच्चों को सीखनी है ना, बुद्धि में ये सब साइंस के संस्कार ले जाएंगे जो फिर वहां काम में आएंगे। दुनिया कोई एकदम तो खत्म नहीं होगी ना, संस्कार ले जाकर फिर जन्म लेते हैं, विमान आदि भी तो बनने हैं, जो जो काम की चीजें हैं वहां के लायक हैं वो बनती हैं, स्टीमर बनाने वाले भी होते हैं, परंतु स्टीमर तो वहां काम में नहीं आएंगे। भल कोई ज्ञान लेवे या ना लेवे, परंतु उनके संस्कार काम में नहीं आएंगे, वहां स्टीमर्स आदि की कोई दरकार नहीं रहती, ड्रामा में है ही नहीं। हाँ, विमानों की, बिजलियों आदि की दरकार पड़ेगी, वो इन्वेंशन निकालते रहते हैं, वहां से बच्चे सीखकर आते हैं। तो ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में ही हैं। तुम जानते हो हम पढ़ते ही हैं कहाँ के लिए, नई दुनिया के लिए। बाबा हमको भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ाते हैं, हम स्वर्गवासी बनने के लिए पवित्र बन रहे हैं। तो पहले नर्कवासी थे, मनुष्य कहते भी हैं कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु हम नर्क में हैं ये नहीं समझते, बुद्धि का ताला नहीं खुलता। तो तुम बच्चों का धीरे धीरे ताला खुलता जा रहा है, नंबर वार ताला उनका खुलेगा। देखिए, ताला उनका खुलेगा जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे और पतित पावन बाप को याद करेंगे। बाप ज्ञान भी देते हैं और याद भी सिखलाते हैं, टीचर है ना, तो टीचर जरूर पढ़ाएंगे, जितना टीचर और पढ़ाई से योग होगा उतना ऊंच पद पाएंगे, उस पढ़ाई में तो योग रहता ही है, जानते हैं, बैरिस्टर पढ़ाते हैं, यहाँ बाप पढ़ाते हैं। आप जब मुरली पढ़ रहे हो तो उस समय आप बाबा को याद पक्का कर रहे हो, 100% 200%। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसका टीचर डेफिनेटली याद रहता है, मुरली पढ़ रहे हैं, मुरली के ऊपर विचार सागर मंथन चल रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाबा के साथ योग ना हो। मुरली को अपनी पढ़ाई समझकर डेडिकेशन के साथ पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाबा के साथ कनेक्शन ना हो उस पर्टिकुलर वक्त, तो कम से कम ये भी भूल जाते हैं, क्योंकि नई बात है ना कि यहाँ बाप पढ़ाते हैं। देह को याद करना तो बहुत सहज है, घड़ी घड़ी देह याद आ जाती है, हम आत्मा हैं ये भूल जाता है, हम आत्माओं को बाप समझाते हैं, हम आत्माएं भाई भाई हैं, बाप तो जानते हैं हम परमात्मा हैं, आत्माओं को सिखलाते हैं कि अपने को आत्मा समझ और आत्माओं को बैठकर सिखलाओ, ये आत्मा कानों से सुनती है, सुनाने वाला परमपिता परमात्मा है, उनको सुप्रीम आत्मा कहते हैं। तो तुम जब किसको समझाते हो तो ये बुद्धि में आना चाहिए कि हमारी आत्मा में ज्ञान है, आत्मा को ये सुनाता हूँ, हमने बाबा से जो सुना है वो आत्माओं को सुनाता हूँ। तो ये है बिल्कुल नई बात। तुम दूसरे को जब पढ़ाते हो तो देही अभिमानी होकर नहीं पढ़ाते हो, भूल जाते हो, मंजिल है ना, बुद्धि में ये याद रहना चाहिए कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों द्वारा पाठ बजाती हूँ। तुम आत्मा शूद्र कुल में थी ना, अभी ब्राह्मण के कुल में हो, फिर देवता कुल में जाएंगे, वहां शरीर भी पवित्र मिलेगा। हम आत्माएं भाई भाई हैं, तो बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना, बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चे आपस में क्या हुए, भाई भाई, बच्चे फिर कहेंगे हम भाई भाई हैं, भाई को पढ़ाते हैं, आत्मा को ही समझाते हैं, आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। ये बड़ी महीन बातें हैं, स्मृति में नहीं आती, आधा कल तुम देह अभिमान में रहे, इस समय तुमको देही अभिमानी होकर रहना है, अपने को आत्मा निश्चय करना है, आत्मा निश्चय करके बैठना है, आत्मा निश्चय करके सुनना है। परमपिता परमात्मा ही सुनाते हैं, तब तो कहते हो ना आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, है ना, सुंदर मेला तब लगा जब सतगुरु मिला दलाल। तो सतगुरु शिव बाबा मिले ब्रह्मा बाबा से,
ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन जब बना, नॉलेज निकली ब्रह्मा मुख कमल से, उसके द्वारा हम सब ने मुख वंशावली बने, मुख से जन्म प्राप्त किया ब्रह्मा के मुख से, तो ऐसे करके एक सुंदर मेला लग गया, है ना। तो वहां तो नहीं पढ़ाता हूँ, यहाँ ही आकर पढ़ाता हूँ। और सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर है, ये बात बाप तो है सुप्रीम आत्मा, उनको शरीर नहीं है, उनकी आत्मा का ही नाम है शिव। जानते हो कि ये शरीर हमारा नहीं है, मैं सुप्रीम आत्मा हूँ, मेरी महिमा अलग है। हर एक की महिमा अपनी अपनी होती है ना, गायन भी है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, वो ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वो सत्य है चैतन्य है आनंद सुख शांति का सागर है। तो ये है बाप की महिमा। बच्चे को बाप की प्रॉपर्टी का मालूम रहता है ना, तो बाबा से हमें क्या प्राप्त होगा, आनंद शक्ति स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड पावर। किसी आत्मा को देख मात्र लेने से उसके मन की भी शांति प्राप्त हो जाएगी उसे। ये हमारा इनहेरिटेंस है जो बाबा हमको देते हैं। बाबा कोई बड़े बड़े खेतों का मालिक नहीं है कि हमें खेत प्रॉपर्टी में दे देंगे, या फिर कोई मर्सिडीज का मालिक नहीं है कि हमें मर्सिडीज प्रॉपर्टी में दे देंगे। बाबा मालिक है शक्तियों की, अथॉरिटी है ज्ञान की, तो वो हमें ज्ञान देगा। बाबा ज्ञान से हमें सजाएंगे, ज्ञान की अथॉरिटी बनाएंगे, उससे फिर बाकी सारी चीजें सहज ही अपनी हो जाती हैं। तो बाबा वही कह रहे हैं, बीज रूप है सत्य है चैतन्य है आनंद सुख शांति का सागर है। ये है बाप की महिमा। बच्चे को बाप की प्रॉपर्टी का मालूम रहता है ना कि हमारे बाप के पास ये कारखाना है, ये मील है, नशा रहता है, बच्चा ही उस प्रॉपर्टी का मालिक बनता है। ये प्रॉपर्टी तो एक ही बार मिलती है, बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है वो सुना ना, तुम आत्माएं तो अमर हो, कभी मृत्यु को नहीं पाती हो, प्रेम के सागर भी बनते हो। तो ये लक्ष्मी नारायण प्रेम के ही तो सागर हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं है। यहाँ तो कितना लड़ते और झगड़ते रहते हैं, प्रेम में और ही घोटाला पड़ता है, बाप आकर विकार बंद कराते हैं तो कितना मार पड़ती है। बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। काम महाशत्रु है, इसलिए बाबा के पास आते हैं तो कहते हैं जो विकर्म किए हैं वो बताओ तो हल्का हो जाएगा। इसमें भी मुख्य विकार की बात है। क्लियरली बाबा कह रहे हैं कि कोई भी विकर्म हुआ है तो वो बताओ। क्यों कोई सुसाइड कमिट करता है? क्योंकि उसने जो भी उसके अंदर भय चिंता या गलतियां गलत डिसीजंस का जो एक लोड होता है वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा है, उस चीज को बढ़ने दे रहा है डे बाय डे, अंदर उस चीज को नासूर बना रहा है। बाबा वही साइंस इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पे कि अपने अंदर का जो गुहार है, अंदर जो भर रखी है चीजें नेगेटिविटी या अपनी गलतियों का जो एक बर्डन है वो रिवील करो, उसको बाहर आने दो, बोझ को निकलने दो, 50% वहीं पे कट हो जाएगा। वही चीज बाबा कह रहे हैं कि यहां आते हो तो बाप को बताओ। मेन बात क्या है? विकार की। बाप बच्चों के कल्याण अर्थ पूछते हैं, बाप को ही कहते हैं ना हे पतित पावन आओ, क्योंकि पतित विकार में जाने वाले को ही कहा जाता है। तो ये दुनिया भी पतित है, मनुष्य भी पतित हैं, पांच तत्व भी पतित हैं, वहां तुम्हारे लिए तत्व भी पवित्र चाहिए। इस आसुरी पृथ्वी पर देवताओं की परछाया नहीं पड़ सकती, लक्ष्मी का आवाहन करते हैं परंतु यहाँ थोड़े ही वो आ सकती है। ये पांच तत्व भी बदलने चाहिए। सत्युग है नई दुनिया, ये है पुरानी दुनिया, इनके खलास होने का अब समय है। मनुष्य समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, जबकि कल्प ही 5,000 वर्ष का है, तो फिर सिर्फ एक कलयुग 40,000 वर्ष का कैसे हो सकता है? कितना अज्ञान अंधियारा है, ज्ञान है ही नहीं। भक्ति है ब्राह्मणों की रात, ज्ञान है ब्रह्मा और ब्राह्मणों का दिन। तो जो अब प्रैक्टिकल में हो रहा है, सीढ़ी में बड़ा क्लियर करके दिखाया हुआ है, नई दुनिया और पुरानी दुनिया को आधा आधा कहेंगे। ऐसे नहीं कि नई दुनिया को जास्ती टाइम, पुरानी दुनिया को थोड़ा कम टाइम, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पूरा आधा आधा होगा। तो क्वार्टर भी कर सकेंगे, आधा में ना हो तो पूरा क्वार्टर भी ना हो सके, है ना। 50% जब डिवाइड करेंगे तभी तो 25-25 भी कर पाएंगे ना।
जैसे 100 है तो 100 को पहले 50-50 करेंगे, तभी तो उस 50 को फिर 25-25 कर पाएंगे क्वार्टर में। तो आधा टाइम स्वर्ग आधा टाइम नर्क, स्वर्ग में भी आधा टाइम एक्सेलेंट स्वर्ग, बाकी आधा टाइम थोड़ा सा परसेंटेज कम। नर्क में भी एक टाइम बिल्कुल घनघोर नर्क जिसको घोर कलयुग कहते हैं, एक टाइम फिर भी थोड़ा कम जिसे द्वापर युग कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि समझते हैं हम गणेश निकालते हैं, समझते हैं हम गणेश निकालते हैं। तो अब बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया तो विनाश होनी है, हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, हम नर से नारायण बनते हैं इस दुनिया के लिए, है ना, इस दुनिया में बनते हैं, लेकिन बनते कब के लिए हैं, नई दुनिया के लिए, पढ़ इस दुनिया में रहे हैं, कल्याण इस दुनिया का भी होगा, पांचों तत्वों का भी कल्याण होगा, लेकिन नारायण एग्जैक्टली बनेंगे कहाँ पे, नई दुनिया में। कृष्ण भी नई दुनिया का है, कृष्ण का तो गायन हुआ, उनको महात्मा कहते हैं क्योंकि छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे प्यारे लगते हैं, बड़ों को इतना प्यार नहीं करते हैं जितना छोटों को करते हैं, क्योंकि सत्वप्रधान अवस्था है, विकार की बदबू नहीं है, बड़े होने से विकारों की बदबू हो जाती है, तो बच्चों की कभी क्रिमिनल आई नहीं हो सकती, ये आंखें ही धोखा देने वाली हैं, इसलिए दृष्टांत देते हैं कि उसने अपनी आंखें निकाल दी, ऐसी कोई बात होती नहीं, ऐसे नहीं कि कोई आंखें निकाल के रख देते हैं, ये इस समय बाबा ज्ञान की बातें समझाते हैं। तुमको तो अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, आत्मा को स्पिरिचुअल नॉलेज मिलती है, आत्मा में ज्ञान है, तो बाप कहते हैं मुझे ज्ञान है, आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते, आत्मा ही तो एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है, आत्मा अविनाशी है कितनी छोटी, उनमें 84 जन्मों का पाठ भरा है, ऐसी बातें कोई कह ना सके, वो तो निर्लेप कह देते हैं, इसलिए बाप कहते हैं पहले आत्मा को रियलाइज करो। कोई पूछते हैं जानवर, बाबा कहते हैं कोई बच्चा ऐसा भी होता है महान जो कि पूछता है जानवर कहाँ जाएंगे, अरे जानवर की तो बात ही छोड़ो ना, पहले आत्मा को तो रियलाइज करो, मैं आत्मा कैसी हूं क्या हूं। बाप कहते हैं जबकि अपने को आत्मा ही नहीं जानते हो तो फिर मुझे क्या जानोगे। ये सब महीन बातें हैं जो तुम बच्चों की बुद्धि में होनी चाहिए। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, वो बचता रहता है। कोई फिर कहते हैं ड्रामा में नूंद है, फिर हम पुरुषार्थी क्यों करें, अरे पुरुषार्थ बगैर तो पानी भी नहीं मिल सकता, ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार आप ही सब कुछ हो जाएगा ना, कर्म तो जरूर करना है, अच्छा व बुरा कर्म ही तो होता है, ये बुद्धि से समझ सकते हैं। बाप कहते हैं ये रावण का राज्य है, इसमें तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं, वहां रावण का राज्य नहीं है, तो मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूं। सत्युग में हम ना तो कोई प्लस कर रहे हैं और ना ही कोई माइनस कर रहे हैं, ना ही कुछ ऐड कर रहे हैं, ना प्रॉफिट है ना लॉस है, तो कर्म अकर्म है, न्यूट्रल कर्मा। रावण राज्य में हर कर्म में आत्मा की एनर्जी कम होती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार या उनके बाल बच्चे, काम का जैसे अलबेलापन आलस्य, क्रोध का रौब जमाना बदला लेने की भावना, लोभ का शक अनुमान करना, मोह का भय और चिंता, और अहंकार का जल्दबाजी करना ईर्ष्या करना, कोई ना कोई इनमें से चीज हमेशा हमारी लाइफ में चल रही होती है, तो कर्म विकर्म बन रहे होते हैं, ये बाबा समझाते हैं। गीता पाठी भी कभी ये अर्थ नहीं समझाते, वो तो सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं, संस्कृत में श्लोक सुनाकर फिर हिंदी में अर्थ करते हैं। बाप कहते हैं कुछ कुछ अक्षर ठीक हैं, भगवानुवाच है, परंतु भगवान कौन है, भगवान किसको कहा जाता है, ये किसी को पता नहीं। अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते।